टर्निंग पॉइंट गाइस, एक बात आप माने, टर्निंग पॉइंट था हमारा, अगर मेरा मशवरा, अगर मैं टीम मैनेजमेंट में होता, T20 के चैंपियन बने हैं। जब ये T20 वर्ल्ड कप में टीम आई थी, पाकिस्तान खेलती गई थी, उस वक्त ही लग रहा था ये टीम डिफरेंट है और ये किसी को करीब आने नहीं देगा। ठीक है, फाइनल कोई छोटी एफर्ट नहीं है, अच्छे क्रिकेट खेल ली, लेकिन जहाँ से लड़के आ रहे थे मेरा ये ख्याल था कि जी पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा, क्योंकि लोग अच्छे क्रिकेट खेल ली। क्या वजह है आंसर दें, अगर इंडिया के साथ फाइनल होता पाकिस्तान का तो फिर ज्यादा मजा आता, देख सपोर्ट कर रहा। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हमने स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश नहीं की, हमने उनके अच्छे बॉलर बॉलिंग पे सिंगल्स दिखे, उन्होंने भी डॉट्स बॉल्स खेले, लेकिन उन्होंने बाद में उस चीज को बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर दिया था। वो कौन जिम्मेदारी लेगा? मतलब इतने गलतियां हैं, आप ठीक है लोग लगे हैं कुछ यार, ठीक है फाइनल में तो आए हैं ना, बस फाइनल में तो आए हैं ना, ठीक है अगर यही हमारी खुशी है तो बस ठीक है। और टर्निंग पॉइंट गाइस, एक बात आप माने, टर्निंग पॉइंट था हमारा, अगर मेरा मशवरा, अगर मैं टीम मैनेजमेंट में होता तो सीधा मैं उसको ज़ाइलोकेन नहीं होता, लोकल एनेस्थेटिक होता है जो ज़ाइलोकेन कहते हैं उसको, वो पूरी इतनी बड़ी सिरिंज होती है जो मेरे घुटनों में लगाई जाती थी, लगा के पूरा गुड़ असुन कर देते और फिर शाइन से कहते यार एक आधा बॉल ना बॉलिंग ओवर से पहले साइड पे करके देख जरा कि कैसा फील कर रहा है। ये हमेशा करना चाहिए, हम सारे करते थे, तो पहला बॉल करके साइड पे देख लो यार दर्द हो रही है छोड़ दो यार, बच्चे का करियर रिस्क पे नहीं डालना। और खैर है, वर्ल्ड कप आते जाते रहेंगे और आपने अपने आप को अनफिट नहीं करना, लेकिन वो शाइन को मुझे लगा मैनेजमेंट की और मैनेजमेंट और कप्तान को पता नहीं चला कि एक बॉल बाहर पूरे रन से ना साइड पे जाकर पूरा ओवर कराते, बॉल करवाते, चैंपियन बना इंग्लैंड, अच्छी क्रिकेट खेली, दूसरी मरतबा T20 के चैंपियन बने हैं। जब ये T20 वर्ल्ड कप में टीम आई थी, पाकिस्तान खेलती गई थी, उस वक्त ही लग रहा था ये टीम डिफरेंट है और ये किसी को करीब आने नहीं देगा। ठीक है फाइनल लंबा चला गया खेलने, लेकिन उन्होंने इंटेंट दिखाया, फेयरलेस क्रिकेट खेली, उन्होंने डरा नहीं है, बड़े मैचेस में टॉस जीत के बॉलिंग की है, टारगेट चेस किए हैं, तो कोई भी टीम ऐसा नहीं करती बड़े मैच में, जिसकी वजह से दाद देनी चाहिए उनके कैप्टन को, लड़कों को, पूरी टीम को, जैसे वो फाइनल जीते हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉलिंग में सैम करन ने जबरदस्त प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी 3 विकेटें ली हैं, आदर्श ने 2 विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट ली है, क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेटें ली है, बॉलिंग में बड़ा जबरदस्त। और सबसे अच्छी चीज जॉर्ज बटलर की आज की कैप्टनसी, आप देखें कि पूरे वर्ल्ड कप में बेन स्टोक ने मेरा नहीं ख्याल के 4 ओवर किए, आज उसका रिदम आया, बॉलिंग अच्छी की है तो पूरे 4 ओवर करवाए, 1 विकेट भी ली, फिर उसके बाद जैसे उसने 50 किया, मैच फिनिश किया, बड़ा जबरदस्त और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। मोइन अली ने नीचे से आके 19-20 रन बनाए हैं, बटलर ने बनाए हैं 20 रन, जिसकी वजह से एक बड़ा टोटल नहीं था, अगर बड़ा टोटल होता उस हिसाब से उन्होंने क्रिकेट खेली थी। कहा जा रहा है कि कंडीशन T20 के मुताबिक नहीं थी, बारिश हुई है, विकेट मुश्किल थी, सही नहीं आ रहा था, आप पहले देखें कि पाकिस्तान टीम ने इतना बड़ा टोटल नहीं किया, सिर्फ 138 रन बनाए हैं, कोई भी टीम हो, कोई सोसिएट मेंबर भी हो, 16वें 17वें नंबर की भी टीम हो, वो चेस करेगी ऐसा टारगेट। क्योंकि जी पाकिस्तान के पास बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप जीतने की, लेकिन पाकिस्तान नहीं जीत सका, और लेकिन फिर भी मैं लड़कों को अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि जी वेल डन के फाइनल में भी आना, ये भी कोई छोटी एफर्ट नहीं है, अच्छे क्रिकेट खेल ली, लेकिन जहाँ से लड़के आ रहे थे मेरा ये ख्याल था कि जी पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा, क्योंकि लोग अच्छे क्रिकेट खेल ली, लेकिन जहाँ से लड़के आ रहे थे मेरा ये ख्याल था कि जी पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा, क्योंकि लोग इसको 92 के साथ भी कर रहे थे, तो मैं अब भी रिजल्ट भी यही समझ रहा था कि जी वही आएगा जो 92 वाला है, और मैं नहीं समझ रहा था, बहुत सारे लोग समझ रहे थे। तो क्रिकेट की चीजों पे बात करें तो काफी सारी चीजों पे बात हो सकती है, पाकिस्तान की बैटिंग पे हो सकती है, बॉलिंग, गॉड सेव द किंग, इंग्लैंड को सपोर्ट कर जी हमेशा। क्या वजह है क्या मतलब क्या कहता है, मतलब आप ब्रिटिश क्वेश्चन का आंसर दें, अगर इंडिया के साथ फाइनल होता पाकिस्तान का तो फिर ज्यादा मजा आता, देख सपोर्ट कर रहा। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है।
आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भी इंग्लैंड को गा रहा था, गा रहे थे, फिर तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो खुशी हो रही है जाए तो यही मनहूस थे ना जो हमें लड़ा के गए थे, और हम अगर इकट्ठे हो गए इनके खिलाफ लड़ते ना, मैं दिल से कह रहा हूँ कि काश इंडिया जीतता और काश इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता, मजा ना। इंडिया खुश है, उसकी क्या वजह? क्योंकि वो हमें हारता हुआ देखना चाहते हैं। जो मेरा इंटरव्यू ना करो, मैं तब सुनता हूँ पाकिस्तान मैच हार गया, तो हार जीत इंडिया के साथ ऑफकोर्स बेहतर होता, पब्लिक भी ज्यादा थी, हमें भी ज्यादा मजा आता। हार जाते तो फिर ज्यादा दुख होता? ऑफकोर्स ज्यादा दुख होता। भरपूर तो नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैं समझता हूं कि ठीक है, पिच थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प कर रहा था, लेकिन हमने तकरीबन कोई 7.5-8 ओवर तो डॉट बॉल खेले हैं। हमने स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश नहीं की, हमने उनके अच्छे बॉलर बॉलिंग पे सिंगल्स नहीं किया, उन्होंने भी डॉट बॉल खेले लेकिन उन्होंने बाद में उस चीज़ को बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर दिया था। हमारे पास जहाँ पे हमारे बैट्समैनों को रन की ज़रूरत थी हमें लास्ट 5 ओवरों में, वहाँ हमने रन भी नहीं किए, विकटें भी गिराई वहाँ पे, तो आई मीन की गलतियाँ तो हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर 20-25 रन होते हमारे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मैच जीतने देता इंग्लैंड को। अच्छा, इशू इज जो अभी आपको फाइनल में कॉस्ट किया है वो आपकी कप्तानी कॉस्ट किया है, और उसके अलावा जो आपकी बैटिंग ऑर्डर था, जिस लिहाज से अब कौन भेज रहा था बैटिंग ऑर्डर, कप्तान भेज रहा था, कोच भेज रहा था, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कि जो बैटिंग ऑर्डर आपका पैथेटिक बैटिंग ऑर्डर, नवाज को ऊपर प्रमोट नहीं किया जा रहा, नवाज से एक ओवर नहीं करवाया जा रहा, क्या अगर नवाज को एक ओवर भी नहीं करवाना, सिर्फ क्या नवाज ऐसा बैट्समैन खेल रहे हैं? फिर तो आप किसी और को भी खिला सकते हो, अगर आप नवाज से ओवर नहीं करवा रहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? फिर अगर शाहीन शुरू में इतनी अच्छी बॉल कर रहा है, गेंद खेल रहा है, तो फिर शाहीन से ओवर क्यों नहीं करवाए जा रहे, वो कौन जिम्मेदारी लेगा? मतलब इतने गलतियां हैं, आप ठीक है लोग लगे हैं कुछ यार, ठीक है फाइनल में तो आए हैं ना, बस फाइनल में तो आए हैं ना, ठीक है अगर यही हमारी खुशी है तो बस ठीक है, ठीक है 2021 के सेमीफाइनल में तो गए थे, ठीक है। देखो यार इंग्लैंड के साथ मैचेस की सीरीज, इंग्लैंड के साथ मैचेस की सीरीज से फाइनल में गए, ठीक है। एशिया कप का फाइनल खेला था ना, ठीक है 2015 खेला है ना, ठीक है। बात तो खत्म कर रहे ना, अगर इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड आपका 2015 के अंदर वर्ल्ड कप से इंग्लैंड बाहर हुआ था ना, तो उनका जो कैप्टन था ना मॉर्गन, उसने उनका डीएनए चेंज कर दिया, उसने उसके बाद एक फैसला लिया, और फैसलों से ही जो है वो टीमें खड़ी होती हैं। उन्होंने सारे डिफेंसिव माइंडसेट को परे किया और उन्होंने कहा कि हमारी टीम अब से एग्रेसिव खेलेगी और एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलेगी। उसके बाद देखो रिजल्ट, फिर टाइम लेते हैं आने में, 5 साल लगे। 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड ने। 2022 का भी वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड नहीं जीता है ना, और तो किसने जीता है? और नहीं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना कि आप मुझे ये बताएं किसने चेंज किया माइंडसेट उनका? और भाई 15 के वर्ल्ड कप में एडिलेड का ग्राउंड था जहां भारत हारा, उसी ग्राउंड में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को बाय किया था, उसी वेन्यू पे एडिलेड में, उनने 15 के वर्ल्ड कप में वहां मॉर्गन ने पूरी अपनी टीम को चेंज करके रखा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पहले मीडिया लेटेस्ट में। दोस्तों आज का मुकाबला जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जो कि फाइनल था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और पाकिस्तान की टीम को 137 रनों पर ढेर कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड जब बैटिंग करने के लिए आई, उसके में पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की और इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों को गिरा दिया। और फिर बेन स्टोक और मोइन अली के पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को जीत दिला दी और पाकिस्तानी मीडिया इंग्लैंड ने रुला दिया, और इसी तरह से इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीत गया पाकिस्तान को फाइनल में हरा कर, और वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड जीता लेकिन वर्ल्ड कप इंडिया में ही आया है, क्योंकि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी यूके के प्राइम मिनिस्टर है। और ऐसे वीडियो के लिए आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो बैकग्राउंड नॉइस बहुत अच्छी नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं इसलिए रिकॉर्ड करने के लिए अच्छे से रिकॉर्ड नहीं की। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।